हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमीज ब्लॉग। सिमीज ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। एक्सप्लोरिंग हिमाचल में आज मैं आपको ले चलूँगी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक रीजन मैक्लोडगंज। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पर वर्चुअल टूर पर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैक्लोडगंज खुद तो एक ब्यूटीफुल प्लेस है ही, बट मैक्लोडगंज में घूमने वाली कुछ ऐसी फेमस और ब्यूटीफुल प्लेस भी है जो मैक्लोडगंज को एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बना देती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैक्लोडगंज में आप कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। एसटी जोन्स चर्च, भागसू विलेज वाटरफॉल, डल लेक, नड्डी, धर्मकोट, माल रोड। सो मैंने यहाँ पर मोस्टली जगह एक्सप्लोर की है। सो आइए मैं आपको वर्चुअल टूर पर लेकर जाती हूँ। वर्चुअल टूर के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप बेस्ट वे में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। सो लेट मी टेल यू आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। There are two ways. One is roadway and one is another. So roadway में आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज 30 minutes में पहुँच जाएंगे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बट मेरे बताए हुए रोडवे से आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज की दूरी सिर्फ 5 मिनट में तय कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताती हूँ आप। सो ये है धर्मशाला का स्काईवे स्टेशन। दिस धर्मशाला स्काईवे विल टेक यू टू मैक्लोडगंज इन जस्ट 5 मिनट्स। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाली ये गंडोला स्टार्ट हुई है 30 जनवरी 2020 में और मैं आई हूँ फेब में। दैट मीन्स ये बहुत ही नया है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। दे हैव 18 गंडोलाज। The ropeway can transport 1,000 passengers in one direction in 1 hour. I think this is an amazing concept of traveling. Also, you can cover 1.8 kilometer distance in just 5 minutes. So, if you are planning for Dharamshala, make sure ki aap ye skyway ka experience miss na kare. लेट मी टेल यू द चार्जेस। अगर आप वन वे ट्रैवल कर रहे हैं जैसे धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, द राइट चार्जेस यू रुपीज ओनली 300। बट इफ आप मैक्लोडगंज से वापसी में भी प्लान कर रहे हैं, जैसे वी ट्रैवल्ड धर्मशाला टू मैक्लोडगंज एंड मैक्लोडगंज टू धर्मशाला, तो आपको ये चार्जेस 500 रुपीज़ में हो जाएंगे एंड विच इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग ऑन पीक डेज, इट टेक्स सेवरल आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम धर्मशाला टू मैक्लोडगंज। द रोप वे रिड्यूसेस योर टाइम ड्यूरेशन एंड यू कैन इंजॉय एंड स्पेंड मोर टाइम इन मैक्लोडगंज। स्काईवे की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इज़ अराउंड 1.8 किलोमीटर
और इसको बनाने में अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है. देर आर 10 टावर्स इन दिस रोपवे. दिस रोपवे विल हेल्प यू ईज ट्रैफिक एंड धर्मशाला टू मैक्लोडगंज रोड. धर्मशाला रोपवे वॉज इनोग्रेटेड बाई हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर. द टॉप स्टेशन ऑफ रोपवे इज इन फ्रंट ऑफ द दलाई लामा टेम्पल. Heights, the ride can be freaking scary for the first few minutes. After a few minutes, you will feel relaxed and you can enjoy the view. चार्जेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया. अब बताती हूँ टाइमिंग के बारे में. सुबह 9 बजे से ये स्काईवे स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में 5 o'clock इज द लास्ट राइड फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला. सो यू कैन इन्जॉय द होल 4 to 5 hours एंड देन रिटर्न बैक. तो आप जब भी धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं मैक्लोडगंज ज़रूर जाइए और इस रोपवे का मज़ा लीजिए. So after a beautiful ride of rope we have reached मैक्लोडगंज. अब हम मैक्लोडगंज में बहुत सारी places explore करने वाले हैं.
सो लो जी, ये शुरू हो गया हमारा मैक्लाउडगंज को एक्सप्लोर करने वाला सफ़र। मैक्लाउडगंज में सबसे पहले आप जगह विजिट कर सकते हैं, वो है सेंट जॉन चर्च। इसे सेंट जॉन चर्च इन द वाइल्डनेस भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट जॉन चर्च इन द वाइल्डनेस देवदार के घने जंगलों में बसा हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और पर्यटन के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। धर्मशाला से एसटी जॉन चर्च 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एसटी जॉन चर्च धर्मशाला से मैक्लॉयडगंज के रास्ते पर लोकेटेड है। इसका डिस्टेंस मैक्लॉयडगंज से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एसटी जॉन चर्च की नींव ईयर 1852 में रखी गई थी। एसटी जॉन चर्च धर्मशाला के एक हिस्टोरिक और बेहद ही मशहूर प्लेसेस में से एक है। चर्च इज नोन टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड विजिटर ऑन ऑलमोस्ट ऑल द डेज एंड स्पेशली ऑन संडेज। Make sure you are wearing a decent yet comfortable clothing, and most importantly, wearing a comfortable footwear to walk around with ease. The best time to visit is during the summer, between March to June. The area where the church is located is absolutely beautiful and will leave you awestruck. You must carry your camera and capture as many beautiful pictures as you can, as there is no restriction on photography. We got lucky to meet this wonderful creature of God. As we came out of the church, two wonderful yak was kept for the photography, so you can take video or photograph. As you can see, I have enjoyed thoroughly. The photography with yak was 200 for one person. You can take as many as videos or photographer you want. एसटी जॉन चर्च के अमेजिंग आर्किटेक्चर मास्टरपीस को विजिट करने के बाद मैं आपको ले चलती हूँ होटल में। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये कश्मीर या श्रीनगर वाली डल लेक नहीं है। मैक्लाउडगंज के पास भी एक डल लेक है और ये कितनी खूबसूरत है आप खुद ही देख लीजिए। डल लेक धर्मशाला से नदी के रोड पर मैक्लाउडगंज में तोता रानी गांव में बेस्ड है। यहाँ पर एक मंदिर भी है।
हम नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है नड्डी। मैक्लॉयडगंज से नड्डी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इट्स अ ब्यूटिफुल वे विथ देवदार ट्रीज अराउंड। नड्डी सनराइज और सनसेट के लिए भी बहुत फेमस है। ये एक सबसे खास बात है कि आप बिना ट्रैकिंग के बहुत ही ब्रेथ टेकिंग नज़ारा यहाँ से देख सकते हो। नड्डी व्यू पॉइंट से हमें द मैजेस्टिक डोलाधार के व्यू देखने को मिल जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में विजिट कर रहे हो। सब देख जाएंगे कैसे हिलते हुए। ये देखो ये दुर्गा माता, ये आराम से देखना, एक आंख बंद करके सीधा पहाड़ में देखना आपको ग्रीन ग्रीन छाया से करके छत दिख जाएगी, फिर झंडे। ये दुर्गा माता है, बहुत मन्नत वाली। Shopping stalls and they do have different kind of wigs for your photo shoot entertainment. तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है भागसूम टेम्पल। भागसूम टेम्पल इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन धर्मशाला मैक्लॉयडगंज। वाई भागसूम टेम्पल इज फेमस, सो लेट मी टेल यू। सराउंडेड बाई लवली पूल्स एंड लश ग्रीनरी, द भागसूम टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एशियन टेम्पल लोकेटेड अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मैक्लॉयडगंज। ऑल्सो द पॉपुलरली नोन एज भागसूम नाथ टेम्पल। It is highly revered by the local Gorkha and Hindu community. The best time to visit Bhagsung Nath Temple is during the annual fair that takes place here in the month of September. The Dal Lake, Kotwali Bazaar and Bhagsu Fall are the main attraction around this holy shrine. Legend has that King Bhagsu built this temple after seeking a forgiveness from snake god. Thank you.
आपको शॉपिंग स्टॉल भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप ढेर सारी शॉपिंग इंजॉय कर सकते हैं। बाक्सुनाथ टेम्पल विजिट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है माल रोड। मैक्लॉयडगंज का मॉल रोड बहुत ही लाइवली जगह है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉप्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ की अमेजिंग टिबेटन मार्केट शोवेनियर शॉप्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। मैक्लॉयडगंज का कलरफुल मार्केट देखने के बाद आप अपने आप को शॉपिंग करने से रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग की है और इंजॉय किया है। मैक्लॉयडगंज का मॉल रोड एक अमेजिंग सनसेट पॉइंट भी है। इस जगह के वाइब्स बहुत ही शानदार होते हैं। तो अगर आप सनसेट लवर हैं तो आप यहाँ का सनसेट ज़रूर देखिए। अगर आप भी हमारी तरह मोमोज लवर हैं तो मैक्लॉयडगंज के मॉल रोड पर आपको मिल सकते हैं ऑथेंटिक टिबेटियन मोमोज। नामग्याल मॉनेस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नामग्याल मॉनेस्ट्री जिसे 14 दलाई लामा के मठ के रूप से भी जाना जाता है। That's it for this vlog now. Hope you enjoyed the video. If you are first time viewer on my YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. Aur mera next vlog aane wala hai exploring Dalhousie or places to visit in Dalhousie. I'm sure you'll love that video. So stay tuned and press the bell icon to get the latest vlog notification.